स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सड़कों पर गड्ढों को लेकर चलाए गए अभियान पर निशाना साधते हुए एक पुरानी हिंदी फिल्म के गाने बाबूजी धीरे चलना में कुछ बदलाव कर ट्वीट किया है। दरअसल केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली की सड़कों के गड्ढों को भरने के आदेश दिए थे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनके विधायक इन सड़कों का मुआयना करेंगे और उनके साथ इंजीनियर भी होंगे। बाराबंकी में डीएम ने एक प्रेस वार्ता कर विश्व परिसर देवा मेला और प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेले का आयोजन 15 अक्टूबर को होगा और समापन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मौके पर डीएम ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ऐतिहासिक मेला जो देवा मेला है उसका आयोजन होगा, 15 अक्टूबर को ये शुरुआत होगी और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। तो उसी के बारे में जो तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा और देवा मेला आयोजन समिति द्वारा, उसके बारे में आप सबको अवगत कराया गया है और जो जो कार्यक्रम दिनवार होंगे उसकी भी जानकारी दी गई है। तो उतनी ही धूमधाम से इसमें इस बार विशेष एक बिंदु ये है कि क्योंकि विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता पूरे जनपद में लगी हुई है, तो आचार संहिता के दायरे में ही इस मेले का आयोजन होगा। इस बारे में भी सभी को जो है अवगत कराया गया। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी से तमंचा दिखाकर 25,000 रुपए की लूट की। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। साथ ही इस घटना में शामिल दो अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। गोला को एक सफलता मिली है। लूट का घटना हुई थी एक 19 तारीख को मालनपार से, जो दुरियापार चीनी मिल वाली रोड है उस पर एक गल्ला व्यापारी से लूट हुई थी। उस पर इन्होंने प्रयास किया था और एक जो भी अभियुक्त पकड़ा गया है इसने ये भी बताया है कि जो अभी एक लूट का प्रयास किया गया गाजेगढ़ा में, जो वो जो ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक था, पैसा निकाल के यूनियन बैंक से और गोला से जा रहा था, तो उसे लूटने का प्रयास किया, वो पैसा नहीं जा पाया, पैसा उसने बचा लिया था, तो उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद से कानपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी तैनात कर दिए गए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कानपुर सेंट्रल सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई लावारिस वस्तु दिखाई पड़े तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। कानपुर सेंट्रल एक यात्रियों के संबंधित सुरक्षा की दृष्टि से एक हमारे लिए महत्वपूर्ण स्टेशन है और हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए लगातार चेकिंग अभियान करते हैं। उसी कड़ी में हम अभी, और चूंकि त्यौहार का भी समय आ रहा है, तो हम सुरक्षा दृष्टि से हर गाड़ी को चेक करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता अभियान के तहत ध्यान गुरु दीपांकर महाराज सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण की जो बात कही थी उसे सत्य और सार्थकता में परिवर्तित करने के लिए केवल मात्र कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। साथ ही महाराज ने ये भी कहा कि हमारा दूसरा मुद्दा एनआरसी को लागू करना है, ताकि देश में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जा सके। कानून से ही काम नहीं चलता, जागरूकता भी आवश्यक है, तो उसी जागरूकता का आज पाठ सहारनपुर था। अपने युवा साथियों के साथ, युवा भाइयों के साथ आज सहारनपुर में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, ताकि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा है उसे सत्य में परिवर्तित और सार्थक करने में हम लोग सक्षम हो पाए। सहारनपुर में देवबंदी उलेमा एनआरसी पर कानून बनाने को लेकर खासा नाराज है। इस संबंध में देवबंदी उलेमा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, अगर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके कानून बनाया गया तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी से अपील करना चाहते हैं कि जो भी कानून बनाया जाए वो देश के हित में बनाया जाए और देश में रहने वालों के भी हित में हो। कानून अगर बनेगा तो सबके लिए बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये लगातार कह चुके हैं अपने भाषण में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये भी कहते हैं कि देश में कानून हो तो एक सा हो। तो ये हिंदुस्तान है, हर हिंदुस्तानी के लिए कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो देश में रहने वाला हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो या दूसरे मजाहिब के लोग हों।
और हम माननीय प्रधानमंत्री से यही दरखास्त करना चाहते हैं कि वो कानून बनाए लेकिन सबके लिए बनाए। वाराणसी के पॉस्को कोर्ट की हालत को खराब बताते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पॉस्को कोर्ट ठीक ढंग से सजा नहीं दे पा रही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के लिए अपर मुख्य सचिव वाराणसी पहुंचे। इस मौके पर एडीजी, आईजी, सीडीओ सहित जिले के तमाम अफसर मौजूद रहे। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 महिलाओं की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए औरैया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी जोन कानपुर अचानक औरैया पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों के बाजार में पैदल चलकर गश्त की। गश्त के दौरान जनता व व्यापारियों से बात भी की। बताया जा रहा है कि थानों का औचक निरीक्षण करने के दौरान मिली खामियों को ठीक करने के उन्होंने आदेश भी दिए हैं, और साथ ही साथ पीड़ितों की सुनवाई को लेकर समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी आदेश दिए गए हैं। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में कुछ चोरों ने आई केयर सेंटर अस्पताल से एलसीडी टीवी समेत रिमोट और कुछ नकदी की चोरी की है। जानकारी के अनुसार ये घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। चोरी की घटना वहां पर जो आई है, इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी है, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और विवरणों की गिरफ्तारी की जाएगी।